आपको बताएं कि मुस्तकबिल में इस जहरीली गैस के अखराज और उसके नुकसान से बचने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला कर लिया गया है। कराची में जदीद तर्ज का एयर प्योरीफायर टावर लगाने की तजवीज़ दे दी गई है। मंसूबा काबिल अमल होने की सूरत में शहर कायद के 6 अज़ला में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। जहरीली गैस सानहे के बाद सिंध हुकूमत इन एक्शन हो गई। हुकूमत सिंध ने मुस्तकबिल में जहरीली गैस के अखराज और इसके नुकसान से बचने के लिए माहौलियाती माहिरीन से मुशावरत के बाद बड़ा फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत को बैन अलाकामी तर्ज पर कराची में एयर प्योरीफायर टावर लगाने की तजवीज़ दी गई है। माहौलियाती माहिरीन की तजवीज़ पर ENDE यूनिवर्सिटी ने इब्तदाई काम का आगाज कर दिया। केमिकल, मैकेनिकल और माहौलियात समेत दीगर मुतालिका शोबों के माहिरीन एयर प्योरीफायर टावर लगाने से मुतालिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द पेश करेंगे। मंसूबा काबिले अमल होने की सूरत में कराची के 6 अज़ला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके किमाड़ी में जहरीली गैस के अखराज से 14 अफराद हलाक जबकि 25 शहरी मुतासर हो चुके हैं। पुरसरार गैस से मुतासर मुतअद्दिद मरीज अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। जामे कराची के फॉरेंसिक माहिरीन की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हलाकतों के जिम्मेदार हवा में शामिल सोयाबीन जर्रात हैं।